गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे पापा की फरमाइश पे बालूशाही ओनिलास के लिए। और मेरी बालूशाही ना इतनी मस्त बनाती हूँ, मैंने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी जब कोरोना आया था तब। और ये रहा मम दम दा करता, ये रुई रुई आई हुई है और ये रहा नीलास। और इनके लिए बनाने वाले हैं बालूशाही। और चलो किचन में, और मैंने तैयारी कर रखी है ये देसी घी और ये डाल के सब कुछ रख रखा है इधर। और ये रहा मैदा और मैंने अच्छे से हैंड वॉश कर लिया। ये मैदा मैंने छान लिया है अच्छे से, पहले ही छान के इसके अंदर भर दिया और अब इसके अंदर निकालेंगे। इतना बहुत है ना, पता नहीं काफी टाइम के बाद बना रही कैसे बनेगी। मस्त, मेरी मम्मी को कुछ बनाना होता है ना डोकला डोकला तो आपकी वीडियो देख लेती हूँ। मेरी वीडियो देख लेती हूँ क्योंकि आप तो रेसिपी बता देते हो साथ में। और ये रहा नमक। नमक नहीं है तो क्या है? बेकिंग पाउडर। अच्छा बेकिंग पाउडर, नमक कहाँ से डलेगा इसमें, तो मीठी बनती है। बेकिंग पाउडर ये वाला और मिक्स कर देती हूँ बेकिंग पाउडर को हल्के हाथ से। और ये रहा घी, देसी घी है ये, मैंने मेल्ट कर लिया पहले गैस पे। धीरे धीरे करके नहीं डालना था ये, तो कैसे डाल दो, पानी धीरे धीरे करके डालना है। तो पानी नहीं डालता पा? पानी डालेंगे, घी से कैसे हो गया नहीं है। इस आटे को ना गूंथना नहीं है, आवाज आ रही होगी ना, बुल स्टार्ट कर लिया मेरे भाई ने। इस आटे को ना गूंथना नहीं है, बस ऐसे बाइंड करना है, मतलब बांधना है एक दूसरे से, बस जैसे ये सूखा सूखा ना ऐसा नहीं रहना चाहिए। असलियत में थोड़ा येलो येलो सा लग रहा है और वीडियो में बिल्कुल व्हाइट लग रहा है। व्हाइट क्योंकि मैदा थोड़ा येलो होता है। मन क्या होता, ये देखो ऐसे बस इसके अंदर ये डाल दिया घी। और अब इसको मैं कहाँ बैठू रे, नीचे बैठ जाना उधर, इधर ही बैठ जाएगा। गाइस अब बस बिल्कुल ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको बांधना है आटे को, बिल्कुल जैसे बालूशाही के अंदर लेयर सी होती है ना, वो लेयर बनानी है हमें। बालूशाही कभी आपने पहले बनाई है मुझे? हाँ लॉकडाउन में बनाई थी। तूने खाई थी क्या? मैं तो दही बल्ले खाए थे। हाँ दही बल्ले भी बनाए, दही बल्ले तो मैंने बहुत बार बना दिए। हाँ। बट लॉकडाउन में ना तब रुई थी नहीं, रुई अपने गांव गई हुई थी, इनकी छुट्टियां पड़ी हुई थी ना, फिर मैं आ गया था। हाँ बाद में आई थी, जब मैंने वो बनाई थी तब नहीं आई थी। अपने कोई ऐसी गली में मसी, अभी वो सारे जिंदा होंगे क्या? वो कौन? अब वो चीकू नहीं, वो चीकू जिंदा है बस। उधर रहते थे ना उधर सारे, और सारे मरे। हाँ बस चीकू जिंदा। चीकू को मैंने ना जब अगर गली में जो डॉग होते हैं ना उनको अगर आप लोगों को भी दिखाई दे उनको दस्त हो जाए उल्टी हो जाए तो ना उनको ना जो चावल होता है ना चावल को उबाल के और जो पानी बचाता है ना पानी वाले चावल बनाने हैं और जो चावल का पानी होता है ना उस चावल के पानी को पिलाना उन गली वाले डॉग को, उनके दस्त ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पहले हमें पता नहीं था, बाद में हमें किसी ने बताया, फिर वो लास्ट में एक डॉग बचा था ना उसको मैंने पिलाया था और फिर वो ठीक हो गया और तो सारे मर गए। फिर अपने टफी को दवाई भी दी थी हमने पहले, लास्ट सर्दियों की बात है ये जब हम आदमपुर में रहते थे। और फिर अभी भी सर्दी टफी को भी, मेरे टफी को भी वो लगती है ना दस्त वगैरह, तो मैं उसको वही पिलाती हूँ चावल का पानी। और आप लोगों को दिखाई दे ऐसे कोई दस्त लगे या सर्दियों में हो जाते ना पारवा हो जाता है डॉग्स को, तो प्लीज उनको चावल का पानी खिला देना।
हर कोई हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता, मैं ये तो नहीं कहती उनको लेके जाओ, अगर आप ले जा सकते हो तो इतना नहीं कर सकते। प्लीज चावल का पानी पिला दो, चावल आप लोग खा लेना, उसके लिए चावल बना के नमकीन वगैरह कुछ भी बना के पीके बनाने, ओनली बस उसमें मीठा मीठा डाल लो, दही डाल लो, नमक डाल लो, खा लो, मिर्ची के बना लो कुछ भी, बस उनको उबाल के और उनको बस। परांठे भी बनते चावल। कौन बुला रहा? देखो गाइस, रोई तो भाग गई, पता नहीं कोई आया था कार्ड देने तो वही बाहर ही रह गई। तो देखो इसको ऐसे ऐसे तोड़ के, और ये देखो ये लेयर बनानी है ऐसे, इनको बस बाइंड करना और कुछ नहीं करना। अगर गूंदोगे ना तो वो नहीं बनेगी, जो जैसे अच्छे से बनती है ना। रूही आना, आ गई, स्टार्ट। देखो गाइस ऐसे से ये लेयर बनानी है, और इसको ना 20 मिनट के लिए ढक्के छोड़ना है हमें, और ढक्के छोड़ने के बाद क्या करना है हमें, ये जब तक 20 मिनट होगी ना तो हम चाशनी बनाने के लिए रख देंगे इतनी देर में। ये ढक्के अच्छे से रख देंगे। क्या रहे चीज लेके आने नासू और गाइस देख लो, अब हम बना लेते हैं चाशनी, ठीक है? देखो तो केक वाली है, तो केक वाली केक है, केक है। कैसा है लंच? कैसा है, कैसा है केक? अम्मी है, ऐसे कर दो तो। गाइस अब हम ले रहे हैं चीनी, वो 20 मिनट हो जाएगी इतनी देर में हम क्या चाहिए बन जाएगी। देखो गाइस ये 24 कैरेट गोल्ड की है। और चीनी डाल देते हैं, ज्यादा हो गया, आधे से ज्यादा डाल दी मैंने, डेढ़ कप चीनी, डेढ़ कप चीनी, तो डेढ़ कप चीनी का आधा हो जाएगा इतना कप, पौने पौने है पानी, जितनी चीनी होती है ना उसकी आधी चीनी, जितनी चीनी होती है ना, अरे कौन बेचने वाला है छुआरे। तो गाइस जितनी चीनी होती है ना उसका आधा पानी डालना होता है चाशनी बनाने के लिए, और जब तक ये चाशनी बनेगी और तब तक हम ये 20 मिनट हो जाएंगे, इसको 10-20 मिनट हो जाएंगे, और चम्मच काम है, और चाशनी को बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। आजा। बन गया, बस गाइस इसको बंद करके और ढक के रखना है, बस अब इसको ढक के रख देते हैं ताकि ये ठंडी ना हो। गाइस फॉर्चून नया ही खोल रहे हैं हम, इसके लिए निकाल देते हैं। लास्ट में से कौन कौन अटकाता है फॉर्चून को, ताकि ये पूरी थैली खाली हो जाए। फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल, फॉर्चून फॉर्चून, सबसे पहले फॉर्चून आए ना तो फॉर्चून ही नाम जचिया, तो हम इसमें निकाल लेते हैं इसको। बहुत है देखो गाइस हो चुका है इसको भी टाइम, और मैंने इस रिफाइंड का क्या किया है, उसके अंदर अटकाने से अच्छा इसके तीनों साइड मैंने कट कर दी, दो तीन साइड, क्योंकि एक साइड तो पहले ही कट थी, नहीं थोड़ा सा कट किया था वहां तो। अब इसके अंदर इसको रखेंगे और ये सारा घी लग जाएगा इसमें। घी नो आटा दे इनको, देखो गाइस ये ऊपर मिलेगी, ये आटा मांग रहा, आटा दे आटा, ऐसे ऊपर चढ़ी नहीं आटा, ये दूसरा आटा है, आटा नानी वाला नहीं है, इसको अभी थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। बालूशाही मिलेगी, बालूशाही, बालूशाही खा लिया ना, खा लिया ना, चलो चने खाएगा ये, चने ये ले, इसको अब थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। और एक वो खा गई, तभी क्या खा रही है वहां से, और ये बीमार होगी सुबह सुबह, इसने तो मेरे को रुला ही दिया गाइस। टफी अभी खोल रहा है इसको बस, जस्ट क्या खा रही है तू वहां से उठा उठा के, पता नहीं कर, बस अभी देख लीजिए
इसको अभी खुशबू आ रही है, ये भी आ गई। लाश की तरह आ गई ये तो, पता नहीं होगी ना मोसी अभी टॉफी। देखो गई, अब इनको भी ऐसे ऐसे कर देते हैं, बस ये लेयर बनानी है। मंडा तू पहला कितना क्यूट था, और अभी देख अभी क्यूट है, अभी देख कितनी शरारत करती है, शरारत करती है। सुबह सुबह इसकी बात बताती हूँ गाइस आपको, इतनी पता नहीं क्या, मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो मेरे झाड़ू के बीच में आ रही थी, मैंने इसको साइड कर दिया। फिर साइड करने के बाद पता नहीं क्या इसके नाक से मुंह से सारे उल्टी आई गई, पानी उल्टी भी थोड़ी सी उल्टी आई और सारा पानी पानी भी, फिर ऊपर भाग की छत पे पेड़ियों में बैठ गई, मैं उठा के लेके आई। फिर इसके पास यहाँ आग जलाई हमने रूम में, इसको बिठा के इसको बांधा हमने, क्योंकि बार बार बाहर भाग रही थी, बाहर भाग रही थी, इसको बांध के इसके पास आग जलाई, इसको उठाया, इसका मुंह साफ के बार बार पानी पानी टपके इसके मुंह से, पता नहीं क्या। ये सुबह सुबह ना बहुत पानी पी रही थी 6-7 बजे, फिर जाके ये ठीक हुई है। टफी आरती बोले मेरी सुगली की मत बना, बीच में एडिट और करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं मैं एडिट नहीं करूंगी। अभी बोरी ममता ऐसी ना ली हो मेरी, अब इसके ऊपर ये फॉर्चून, आप ना इसमें क्या हो गया, आप लोग रिफाइंड में भी तल सकते हैं इनको, बालू शाही को और देसी घी में भी, और मैंने प्रेफर किया है। चुप रहे तू, क्या अबरार बना हुआ है एनिमल फिल्म वाला, इसमें गार्लिक नहीं। चुप और रिफाइंड रिफाइंड मैंने इसलिए लिया बिकॉज सर्दी में जम जाता है ना ये भी तेल, जो देसी घी का मैंने इसमें भी डाला है, तो ये ठीक है रिफाइंड में सही रहेगा। हो गया स्विमिंग पूल रिफाइंड का, इसमें बालू सही जो गोते खाएगी। ये देखो अब इधर दिखाओ, अब देखो गाइस, अब इसमें से हम लोग ऐसे मैं भी करूं। नहीं पेड़े नहीं बनाने हैं, देखो अभी देखते जाओ। ये देखो गाइस, ऐसे हमें ये तोड़ना है, ऐसे करके बालू पोटली टाइप, पोटली टाइप में तोड़ू। अब देखो अब इसको मैं बनाऊंगा, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, तो ऐसे करके बनाने हमें इनको, ये पूरे भी छेद नहीं करने, नहीं बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं करना इसको, जैसे ये दरदरा है ना तो सेम ऐसे ही रखना है हमें, दरदरा टाइप बनाना है, लाइफ जो है ना, ये देखो बस इसको ना ऐसे करके, ये तो बड़ी बड़ी है, और ऐसे करना है, छोटी छोटी बना ले आपको, छोटी छोटी सी ले भी। और ये देखो गाइज हमें ऐसे, देख आरती दिखा इधर, ये मेरे को कह रहा है, ये रुई ने बना दी है इस बड़ी सारी, ये देखो ठीक है। और ये बड़ा चप्पल पहन ले और बाहर चल मेरे साथ, जाओ रुई बाहर जाओ, ये पता है खेलने जा रहा है, ये सारी लाइफ बॉय का पाउडर डालना था जो कि मैं पहले इसमें डाल देते हैं, और कलर डाल देते हैं, और येलो कलर डालते हैं, चाह सको तो वो भी डाल सकते हो, केसर, केसर पिस्ता, ना नहीं थोड़ा सा बस इतना, केसरी बोला कलर ज्यादा अच्छा नहीं था, इसको मिक्स कर लेते, कलर आया ही नहीं इसमें, येलो कलर है ये वाला, अभी आया, आ गया ना, बस ज्यादा नहीं डाला हमने, थोड़ा सा ही बहुत है बस, कमेंट में बताओ जिसको भी धरती का वो पृथ्वी का विलंब थी। कल जो आप लोगों ने शॉर्ट्स देखी हो ना वीडियो, नहीं आज वाली शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखी ना, जो बिस्किट बनाया है इसने, तो वो वाले खिला, वो आराम से बैठ के खिला रहा है, और इसके अंदर इस घी को ना इधर देखो, इधर 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 देखो, घी को ना कम गरम रखना है, और स्टार्टिंग में
बस जैसे न्यू ईयर होता है ना कोसा, बस वही रखना है। और इनको ना पहले पलटना नहीं है, डालना है और फिर ये अपने आप जब तैर के ऊपर आ जाएंगी ना तब इनको पलटना है, ठीक है गाइस। और इनको बनने देना आराम आराम से इधर, तब तक मैं और इनको बना लेती हूँ। ये हमारा समुन्द्र जो है एकदम शांत था, उसके अंदर जो है लाइफ बॉय डाल दी गई है, वो ऊपर आएगी जो उसको पलटेंगे, लहरें उठेगी इसमें। वाह कितने बादल लग रहे हैं, मस्त लग रहा है ना, कितना सेटिस्फाइंग दिख रहा है, क्लाउड टाइप सेटिस्फाइंग। आज मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है ना, इसलिए कम ही ट्राई किया, ज्यादा नहीं बनाई। और बनाऊ क्या बड़ी, ठीक है इतने बड़े बहुत। इसमें होल कर दे तो होल कर दो, डोनट बन जाएगा, डोनट दोनों साइड ही कर रहे हैं। बस इसको पिदकाए, ये हार्ट शेप की बालू चाहे बना दे। रुई वो शेप्स किधर है अपनी पड़ी, शेप से नहीं, शेप से ये थोड़ा इनका सीधा करना पड़ेगा और ये टेढ़ी मेढ़ी होती है ना वैसे। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है निलासु, गुदगुदी कर रहा है, ऐसे बोला गुदगुदी। देखो गाइस मैंने बना दी, देख गुदगुदी हो रही है, मेरे गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है, मैंने बना दिया शेप की। ये कौन सा है, ये असली वाला हर्ट लग रहा है, देख ये जो अपने बॉडी में होता है वो हर्ट है ऐसा वैसा, पर ऐसा भी नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा होता हूँ नहीं, वैसे हंसता है बनाते ना उसमें, लेफ्ट वर्टिकल राइट वर्टिकल्स ऐसे हो। गाइस ये ऊपर आ चुकी है अपने आप, देखिए ऊपर आ गई है, गोपी क्या गोपी, टपल टपल टपल, ये एक और आने दो, एक ही आई है तो उसे एक को तो पलट दे, नहीं दोनों देख नींबू, देख देखा खाना नींबू, नींबू खाइए, एक बार खा चुके नींबू खा रहा, देखो खट्टा कैसे है नींबू, यम्मी है। अरे कैसे वाली ऊपर देख, तभी इसने ऐसे से किया, अजीब सा वो बनाया था। नीलांशु 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 चिट लू, चीची चीची दे आजा, अभी दे अभी देखा, हैंड्स अप हैंड्स अप हैंड्स अप, दोनों दोनों सिद्धू कैसे करता है, सिद्धू सिद्धू भाई बताना। आ गए दोनों ऊपर, पलट दिया वैसे मैंने पहले दिन को, बन गई ना, एक बचाए चढ़ा दे ना, और चढ़ा दे ना, अभी नहीं डालनी, पहले इन दोनों को निकाल के फिर सारी, अगर ये अच्छे से बन गई ना तो निकालनी। देखो गाइस अब इनको निकाल लेते हैं, रुक जा एक बार, मत डालियो इसके अंदर, ये मैं बताऊंगी कब डालने, क्योंकि ये डालनी है चाशनी में, और ये हमें करना है बंद, बिकॉज एक मिनट रुको पहले इनको कर लेते हैं अच्छे से, अब ये चाशनी में तब तक डूबेगी, बंद करते हैं। इसको बंद हमने इसलिए किया है बिकॉज स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है ना ये थोड़ा कम गर्म होगा तब इसके अंदर हमें ये बालू साई डालनी है और बाद में तेज करना होता है इसको, अभी ये गर्म हो गया ना हमने बाद में उसको पलट दिया तब हाई फ्लेम पे कर दी थी,
इसलिए अब हमने इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अब इसको थोड़ी देर ये ठंडा हो जाएगा ना, तब ये इसके अंदर डालेंगे। न्यूआइनवा कोसा हो जाएगा ना तेल, थोड़ा कम गर्म, तो तब डाल देंगे इसमें। ओके गाइज, थोड़ी देर इसको वेट करवाते हैं। देखो गाइज, ये ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर डाल देते हैं फिर से। स्टार्टिंग में तो हमने दो बना के देख लिए थे, अब इसमें 5-6 डाल देते हैं। अब दो बारी में बन जाएंगे ये, और ये बन गए। लो फ्लेम पे कर दिया इनको। ये देखो गाइस, मैंने इतनी देर बंद रखा है बट फिर भी गर्म ही पड़ा ही है, और ये इधर बन रही है चाय। तो गाइस देखिए, ये सारी ऊपर आ गई है, अब इनको पलट देते हैं। इनको निकालने के लिए पहले हम ये बालू साइड निकाल लेते हैं। क्या हुआ यार? यार ब्लर कैसे दिख रहा है? कुछ नहीं, ब्लर बना रही थी रोई। देखो ये निकाल लेती हूँ, एक कान्हा के लिए और एक मंदिर में रखने के लिए। अब ये सारी निकाल देते हैं चासन में, बंद कर देते हैं इसको, और फिर ये ठंडा होने के बाद ये नेक्स्ट डाल देंगे। निकाल देते हैं सारी। कॉफी पिएगी? चाय पी ले, कॉफी नहीं। इसके साथ तूने बोला था। चलो ओके, कॉफी बना लेंगे तो ठीक है। काना को खिला के फिर दे दूंगी तेरे को। चलो काना खिला के आते भगवान जी को। इस काना को देते यम्मी डिलीशियस। हेलो काना, अभी मंदिर में सुन गाइस, अभी मंदिर में भोग लगा देते हैं भगवान जी को। इनको देख, वो इसकी चप्पल उठा के ले आया, चप्पल पहने रहे। देखो टेस्टी लग रही है ना। ला रही हूँ, ला रही, अंदर नहीं डालने, वो जूते लेके आ गया, अंदर ला रहे। ओके गाइस, मम्मी टेस्ट कर रही है कैसी बनी है। कैसी है? रोही भी टेस्ट करके बताएगी। रोही हाँ, नीलास खा के बताइयो। नीलास मम्मा से खा के जाओ, जाओ जाओ। वो मैंने बनाई है बालू से, टेस्टी टेस्टी। कैसी है नीलास? यम्मी यम्मी है। कैसी है? यम्मी बनी है, तभी तो रुई वापस लेने आ गई है ना। चलो ये वाली मैं भी खा के देखती हूँ। नीलास बिस्किट खा रहा था, बिस्किट मम्मी को दे दिए और मम्मी से ये खाने लगे। मैं भी खा के देखती हूँ। पापा कितनी बार तो लेके आते हैं? पापा एक बार खाई है। टेस्टी है? ऑरेंज कलर की खाई होगी तूने, मेरी बनाई हुई पहली बार खाई है ना। टेस्टी है? सो गाइस देखिए, ये मटर के लिए भी गूंद दिया आटा, अब यहाँ मटर बनेंगे नमकीन वाले। गाइस मटर ये ले रूही, पता कैसी बनी है? अच्छा है। लास्ट खाएगा मटर गरम गरम, ठंडी है तो दे दे इसको। माऊ को ऐसे नीचे क्यों गिरा?
ये इसकी माँ अपनी साथ में रखता है, अगर सुबह से नहीं ले रही ना अभी अभी लिए इसने। अले कितनी अच्छी लग रही है माँ, माँ पे भुग्गा है वेले। टेस्टी है क्या? मटर कैसी बनी है? यम्मी। रुई कैसी बनी है मटर? यम्मी। चाउमीन इसको चाहिए सारी चीजें, इसने मंगवाई है पापा से चाउमीन। सो गाइज आज हमने बनाई बालूशाही, मैंने टेस्टी मेड लॉकडाउन की रेसिपी, और गाइज और मटर भी बना रहे, मटर भी बन ही रहे हैं अभी तक, और बिकॉज मटर का मन कर जाता है, मैदा होता है तो घर पे ऑब्वियसली सबके घर बनते होंगे ऐसे, और घर पे बने हुए मार्केट के मटर से कौन से अच्छे लगते हैं कमेंट में कर देना। बालूशाही तो बहुत ही अम्मी थी, मार्केट से भी ज्यादा टेस्टी बिकॉज वो घर पे बनी हुई थी। और गाइज सो आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय, जल्दी मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय। मैं सामने शीशे में देख रही थी, पता वीडियो कैसी बनी होगी तो देख लेना। इसको देखो मशीन पे बैठी शॉर्ट्स देख रही है। मटर ला के देती हूँ।